डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में जो साइंस है, इस सब साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के दो दो चैप्टर को हम लोगों ने किया है। चलिए आज एक नए चैप्टर यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान के चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपके बायोलॉजी का कुल मिलाकर 7वें चैप्टर है। छठा चैप्टर बायोलॉजी का यानी कि एनसीईआरटी। कुल मिलाकर हम लोग किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय को। ये बायोलॉजी का अगर बात करें तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 से शुरू होता है बायोलॉजी। 6 नंबर में था जैव प्रक्रम, उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखो, सबसे पहले इसके बारे में जानिए हम लोग कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। नियंत्रण है एवं समन्वय। तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले जरूरी है कि क्या होता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है? यानी कि अगर मान लिया जाए कि हम लोगों को अगर हिचकी आ रहा है दोस्तों, तो ये हमारे बॉडी का एक ऐसा मेंटेनेंस किया हुआ गॉड गिफ्टेड मशीन है, जिसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिसको हम लोग रोक सकते हैं, जैसे मतलब हाथ का चलाना। ये हाथ चला रहे हैं, हाथ मोड़ रहे हैं, मुट्ठी बांध रहे, ये सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब खुद हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हृदय का धड़कना, हृदय की धड़कन को हम लोग चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। इसको रोक पाना असंभव है। हिचकी आ रहा है, अचानक से हिचकी आया, अचानक से छींक आया, उसको आप चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो जिस पर हम लोग कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिस पर हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, ठीक है, नाड़ी का, ये जो नाड़ी है इसमें पुश पुल होते रहता है, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। पलकों का झपकना, या बहुत बोल पा रहे हैं कि हम लोग हाथ जो चलाते हैं हाथों को, या फिर अपना गति, मानो अपने जो गति करते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी हमारे शरीर में क्रियाएं होती है जिस पर हम लोग कुछ नियंत्रण कर सकते हैं और कुछ पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो आगे आने वाले में हम लोग टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ें, अगर मान लिया हम में कोई टच किया या हमको कोई चुटी काटा, तो हमको फटाक से इसका अनुभव हो जाता है कि हमें कुछ ना कुछ हो रहा है। या फिर आप कोई गर्म चीज़ है, आप उसको छूते हैं तो आपको हीट महसूस होता है, ये तुरंत सेकंड के हजारवें हिस्से में आपको पता चल जाता है। तो आखिर ये कैसे हो पाता है? हमको कोई चूटी काटता है, फटाक से हमको दर्द होने लगता है, यानी कि कहीं शरीर में कोई टच किया कि नहीं, हमको तुरंत पता चलने लगता है। तो सब चीज़ का डिस्कस हम करेंगे इसी चैप्टर में कि आखिर एक कैसे हो पाता है कि तुरंत हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, सूचनाएं मिल जाती है कि कहीं कुछ हुआ है। तो चलिए, इसको चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। सब ये जो सूचनाएं प्राप्त होती है ना, ये किसके वजह से प्राप्त होती है? तो तंत्रिका तंत्र की वजह से। तो टॉपिक बनाएंगे जंतु तंत्रिका तंत्र। अब ये जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में आप पढ़े, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि नियंत्रण तथा समन्वय के लिए सबसे उपयुक्त ऊतक माना जाता है जंतु तंत्रिका तंत्र। यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का हमारे शरीर में कौन काम करता है? तो तंत्रिका तंत्र ही हमारे बॉडी में एक भाग होता है। तंत्रिका तंत्र ही मेनली कार्य करता है नियंत्रण एवं समन्वय को, ठीक है? तो सबसे पहले ये हम लोग 9th में भी हालांकि सीखे हुए हैं, तो चलिए सबसे फर्स्ट एरो देकर लिखते हैं।
जंतुओं के नियंत्रण तथा समन्वय, जंतुओं के नियंत्रण तथा समन्वय, पेशीय ऊतक के द्वारा या तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। पेशीय ऊतक या तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, जंतुओं में जो नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। याद कीजिएगा, इस सवाल आता भी है कि तंत्रिका तंत्र के लिए कार्यशील कौन है, तो याद रखिएगा, सॉरी, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कार्यशील कौन होता है? तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र ही होता है। इसके वजह से हमको अगर कोई टच करता है तो पता चलता है, हमें ठंड का अनुभव लगता है, हमें स्वाद का पता चलता है, हमें गंध का पता चलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर, हाँ, अगर आप बोलिएगा कि सर रंग को कैसे देख पाते हैं कि ये काला रंग है, वो तो हमारी आँख है, इसको तंत्रिका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो हम सुन पाते हैं ये भी क्या है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर स्वाद का पता लगाना, गंध का पता लगाना, सब किसका कार्य है? तंत्रिका तंत्र के काम है। तो आपको पता होना चाहिए कि नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सबसे उपयुक्त या कार्यशील कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। हालांकि 9th क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े हुए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अरु देंगे, लिखेंगे, हम पर्यावरण के सभी सूचनाओं को का लिखेगा, हम पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता पता तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा, विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाते हैं, विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाते हैं। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र के सिरे होते हैं। थोड़ा सा हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब फिगर बनाएंगे ना तंत्रिका तंत्र का, तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तंत्रिका तंत्र के फिगर होते हैं, ठीक है, और उसके सिरे कैसे काम करते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये सभी समझिए कि जो भी सूचना हमको प्राप्त, अब कौन सा सूचना, तो जैसे मान लिया किसी को हम चूटी काटे, तो उसको पता चला हमारे कि हमको कोई चूटी काट रहा है, कोई टच किया, तो ये जो सूचना है हमको कैसे पता लगता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र में सिरे होते हैं, उसी विशिष्टीकृत सिरे द्वारा हमको पता चलता है या सूचना प्राप्त होता है कि हमें कोई टच कर रहा है, हमें कोई चूटी काट रहा है, हमें कोई मार रहा है, हमें कोई बोला जा रहा है, ऐसा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो लिखेंगे, ग्राही प्राय, ग्राही, अब बताते हैं ग्राही क्या है। ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, ग्राही प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों कैसे लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे जैसे आंतरिक कर्ण, जैसे मैं उसी के नीचे लिखेगा आंतरिक कर्ण, यानी कि अंदर का कान का भाग, कॉमा नाक, कॉमा जीव। ठीक है, चलिए अब ये ग्राही का मतलब समझिए। ग्राही का मतलब कि अगर हम किसी को गंध का पता चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वादग्राही या संवेदग्राही। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज को आप चखें, तो जीभ का काम क्या है कि स्वाद का पता लगाना, तो उसको हम लोग संवेदग्राही कहते हैं। ग्राही का मतलब सूचना को प्रदान करने वाला को ग्राही कहते हैं। एक्चुअली अगर आप दुकान खोले हुए हैं, दुकान में अगर सामान रखे हुए हैं, तो आप जो हैं
एक दुकानदार हो गए, लेकिन अगर जो सामान खरीदता है उसको ग्राहक कहते हैं। ग्राहक का मतलब कौन हुआ कि वो सामान खरीदा इसलिए वो ग्राहक हो गया। तो ग्राहक का मतलब ही होता है ग्राही, यानी कि जो खरीदा जो लिया, तो स्वाद जो लेगा, याद रखिएगा स्वाद जो लेगा, तो स्वाद कौन लेता है, जीभ, तो उसको स्वाद ग्राही कहेंगे। यानी ग्राही का मतलब होता है लेना, ठीक है। जैसे ग्राहक का मतलब कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान में सामान जो खरीदने जाता है उसको ग्राहक कहते हैं, तो ग्राहक का मतलब ग्राही, वो खरीद रहा है, ले रहा है आपके आपके पास से सामान, इसलिए उसको ग्राहक बोल रहे हैं। तो ग्राही का मतलब होता है लेने वाला, यानी कि अगर जो स्वाद ले रहा है उसको स्वाद ग्राही बोलिए, संवेद ग्राही बोलिए, ठीक है। और जो बोल सकते हैं सुन रहा है उसको घ्राण ग्राही कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम आवाज़ सुन रहे हैं तो वो भी एक आवाज़ ग्राही हो गया, ठीक है। अगर स्वाद को हम ले रहे हैं तो स्वाद ग्राही हो गया। तो कुल मिलाकर ये ग्राही का मतलब होता है लेने वाला, ठीक है, किसी चीज़ को प्राप्त करने वाला। तो वो ज्ञानेंद्रियों में स्थित रहते हैं, यानी कि जो भी बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो सूचना प्राप्त करने की क्षमता होती है उसको कहाँ रखा गया है भाई, ज्ञानेंद्रियों में स्थित रखा गया है। ज्ञानेंद्रियों में के अंतर्गत आते हैं जैसे कि आंतरिक कर्ण, जैसे कान से हम लोग सुनते हैं तो सुनना भी एक तरह का ग्राहक का काम हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो ये मेरा ग्राहक हो गए। आप कर्ण की वजह से, कान की वजह से सुन रहे हैं तो ये भी आप ग्राही हो गए। आप आवाज़ ले रहे हैं, मेरा आवाज़ सुन रहे हैं। नाक, जैसे मान लिया कि कहीं किसी के घर में पुआ पकवान ये सब बन रहा है, हम लोग फटाक से बोल देते हैं कि आज ये बन रहा है उसके यहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि उसका गंध आपके तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर गंध ग्राही कहेंगे, क्योंकि गंध ले रहे हैं आप, या फिर फूल के सुगंध को आप सूंघ रहे हैं, आप उसके सुगंध को ले रहे हैं, तो ग्राही कहलाएंगे। जीभ, स्वाद ले रहे हैं, वो भी आपका स्वाद ग्राही होगा। तो ग्राही का मतलब कुल मिलाकर याद रखना लेने वाला, और ज्ञानेंद्रिया का मतलब ग्राही जो है, लेने की क्षमता जो है वो ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे रस संवेदी ग्राही। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर अभी हम लोग क्या सीखे ग्राही के बारे में। तो ग्राही में दो ग्राही याद रखना है, एक का नाम है रस संवेदी ग्राही। अभी रस संवेदी ग्राही याद रखिएगा कि किसके लिए काम करता है, तो स्वाद को पता करने के लिए। और घ्राण ग्राही किसके लिए, तो ये गंध को पता करने के लिए। तो स्वाद और गंध दो को अलग अलग चीज़ है। स्वाद का मतलब जब आप उसको खाएंगे तब ना स्वाद का पता चलेगा कि मीठा है कि तीखा है कि क्या है। और घ्राण ग्राही का मतलब हुआ कि गंध, वो आपको नाक पहले ही से सूंघ लेगा कि ये मीठा बन रहा है या पकवान बन रहा है या क्या बन रहा है, किस चीज़ का गंध आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो गंध लेते हैं उसको घ्राण ग्राही के नाम से जाना जाता है, और जो स्वाद का पता चलता है वो रस संवेदी ग्राही से पता चलता है। तो दो गो ग्राही याद रखिएगा। सवाल ऐसे आता है कि रस संवेदी ग्राही किसके लिए होता है, तो स्वाद के लिए, और घ्राण ग्राही किसके लिए होता है, तो गंध के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्त, इस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र, तो इतना सारा चीज को लिखने के बाद ये वाला जो फिगर है, ये आपको जो दिख रहा है अभी हम लोग हम उसके ऊपर लगाए हैं, ये दिख रहा है आपको एक तंत्रिका तंत्र का फिगर, यानी कि चूंकि हम लोगों को टॉपिक से ही है तंत्रिका तंत्र, तो ये जो आपको अभी तंत्रिका तंत्र का फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। यही तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। और इस तंत्रिका तंत्र में आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला भाग है जिसको द्रुमिका कहते हैं, ठीक है। और द्रुमिका के अंदर
कोशिका काय होता है और कोशिका काय के अंदर एक केंद्रक होता है और एक पूंछ जैसा पीछे दिख रहा है, ये तंत्रिका तंत्रिकाच होता है, इसको एक्सॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर और ये तंत्रिका तंत्र का जो अंतिम सिरा है, लास्ट तक के जो दिख रहा है, ये अंतिम सिरा ही कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो फिगर अभी आपको स्क्रीन पर हम लगाए हुए हैं, दिखा रहे हैं, इसको जो है आप अपने कॉपी में जहाँ तक के एरो लिखवाए हैं उसके बाद उसको नोट कर लेना है। ये तंत्रिका तंत्र का फिगर बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो आप इसको बनाएंगे। चलिए अब हम आपको इसको दिखाते हैं। अब जो आपको अभी स्क्रीन पे तंत्रिका तंत्र का फिगर दिखा रहे थे, यही तंत्रिका तंत्र का फिगर है। ठीक है, यही तंत्रिका तंत्र का फिगर है। हम थोड़ा सा क्लियर नहीं बना पाए हैं क्योंकि हम आपको वीडियोस भी यहाँ से शूट करना होता है और एक तरफ से बनाना भी होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम आपको पेन की सहायता से एक बोल सकते हैं डुप्लीकेट फिगर आपको समझाने के लिए बस बनाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा पार्ट्स को हम लोग, ये पूरा किसका फिगर है भाई, तो ये तंत्रिका तंत्र का फिगर है। याद रखिए यही तंत्रिका तंत्र है जो किसी को चूटी काटते हैं तो यही वाला हमको पता करता है। शरीर के किसी भाग में आप अगर चूटी कट जाए, कांटा गड़ जाए, तो हमको तुरंत दर्द देने लगता है, पता चलता है कि कहाँ गड़ा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही तंत्रिका तंत्र का टोटल फिगर बनाना है और इसके भाग अभी हम आपको दिखाएं तो कोशिका काय यानी कि एक केंद्रक होता है, इस वाले भाग को केंद्रक कहा गया और इसके ऊपर वाले जो भाग हैं देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, इसको द्रुमिका कहते हैं। और यही द्रुमिका से जैसे मान लिया कि सबसे पहले चूटी काटते हैं तो वो चूटी काटा हुआ द्रुमिका तक सबसे पहले जाता है। याद रखिए सबसे पहले वो सूचना कहाँ गया, द्रुमिका तक, फिर कोशिका काय में आया, जो खाली वाला भाग दिख रहा है इसको कोशिका काय कहते हैं और उसके अंदर जो है केंद्रक। तो अब वो कोशिका काय से केंद्रक में गया, वो केंद्रक से होते हुए नीचे की ओर यानी कि तंत्रिकाच होता है, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे गैप दिख रहे हैं ना, ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको तंत्रिकाच कहते हैं, इसको एक्सॉन भी कहते हैं। याद रखिएगा एक्सॉन भी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्रिकाच भी कहते हैं, तो तंत्रिकाच भी बोल सकते हैं, एक्सॉन भी कह सकते हैं। तो ये हुआ तंत्रिकाच और ये लास्ट तक के सिरा गए, ये तंत्रिका का अंतिम भाग है जिसको अंतिम सिरा के नाम से जानता है। याद रखिएगा ये तंत्रिका तंत्र के बीच तंत्रिकाच के बीच में जो ये वाला गैप नज़र आ रहा है, इसी गैप को हम लोग सिनेप्स भी कहते हैं। जो बीच में गैप्स दिख रहा है ना खाली जगह ये वाला, तो इस वाला पार्ट्स को सिनेप्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर आज का वक्स यही है कि आप ये जो तंत्रिका तंत्रिका तंत्र का फिगर आपको दिख रहा है इसको एकदम फ्रेश पेंसिल की सहायता से डायग्राम बनाना है, जो अभी आपको जस्ट पहले स्क्रीन पे आपको हम शो कर रहे थे, दिखा रहे थे। ये तो हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे थे कि किसको एक्सॉन कहते हैं, कहाँ से कैसे कैसे सबसे पहले सूचनाएं प्राप्त होती है। तो याद रखना किसी को अगर तुम चूटी काटते हो ना भाई, तो सबसे पहले द्रुमिका को पता चलता है और द्रुमिका से आता है कोशिका काय में, खलिका भाग में, फिर केंद्रक और केंद्रक से होते हुए ई वाला रास्ता से अंतिम सिरा तक पहुँचता है, तब तुमको जाकर पता चलता है कि अच्छा चूटी जो है काटा गया है हमको इस जगह पे, इस जगह पे कांटा गड़ा है, इस जगह पे हमको कोई मार रहा है ना। तो कुल मिलाकर हमको ये प्रोसेस इतना से गुजरना पड़ता है और आपको समझना चाहिए कि जब एक वायर को, एक तार को हम अपने घर तक खींचे रहते हैं तो यहाँ से करंट देते हैं तो घर का बल्ब जो है तुरंत जल जाता है, उतना ही स्पीड से ये काम करता है। द्रुमिका से कोशिका काय, कोशिका से कैसे केंद्र, केंद्र से तंत्रिकाच होते हुए अंतिम सिरा तक पहुँचता है। तो कुल मिलाकर ये वेग इतना ज़्यादा होता है, समझो कि एक पोल पर तार रहता है, तार पर जैसे ही लाइन आया वहाँ से ट्रांसफार्मर से या फिर जहाँ से फीटर वगैरह ग्रिड वगैरह रहता है वहाँ से जैसे ही तार में लाइन आया तो फटाक से हमारे घर का बल्ब जल गया। सोचो उतना ही तेज़ी से हमारे अंदर का तंत्रिका तंत्र काम करता है, इसीलिए किसी को चूटी तक काटते हैं तो तुरंत हमको पता चल गया, तुरंत हम मुड़ के फटाक से देखते हैं कि कौन काटा है ना, इसलिए क्योंकि ये समझो एक जैसे विद्युत जाता है ना, तो विद्युत वेग से ही इसमें यह प्रक्रिया होता है, इतना तेज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
तंत्रिका तंत्र का फिगर बढ़िया से ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करके रखिएगा। उसके बाद हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, द्रुमिका या कोशिका का है, एक्सॉन, अंतिम सिरा क्या होता है, सब चीज़ के बारे में। इस फिगर के नीचे दोस्त और भी पॉइंट्स कुछ बाकी है, इस बाकी हुए पॉइंट्स को दोस्त अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपको तंत्रिका तंत्र का फ्रेश फिगर बनाना है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।